दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, यानी पर सेकंड 80,000 से ज्यादा व्यूज मिलते हैं यूट्यूब को एक सेकंड में। अगर बात करें एक मिनट की तो 5 अरब से ज्यादा व्यूज हो जाते हैं एक मिनट के अंदर। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब पर चैनल बनाने की और अपना यूट्यूब करियर सेट करने की, तो ये बिल्कुल सही समय है। 2020 में भी आप यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपना सोशल मीडिया करियर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अभिमन्यु भरद्वाज पर। यहां हम करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो आज हम सीखने वाले हैं 2020 में YouTube पर एक चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि जो YouTube का नया स्टूडियो है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो YouTube पर चैनल बनाना 2020 में बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र में YouTube को ओपन करिए, और यहाँ पर सिर्फ आपको ज़रूरत है आपकी जीमेल आईडी की। अगर आपका जीमेल पर अकाउंट नहीं है तो जल्दी से ही जीमेल पर अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद यूट्यूब ओपन करिए, यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी वही ईमेल आईडी टाइप करनी है, इसके बाद इसे यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है। और जब आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आप यूट्यूब पर लॉग इन कर चुके होंगे। ऐसा आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, आप कॉर्नर में आपका फोटो डिस्प्ले होगा, अगर आपने अपनी जीमेल आईडी में लगाया होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सेटिंग्स का, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी के साथ में जो भी चैनल अटैच होगा उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, और साथ में आपको दिखाई देगा ऐड और मैनेज योर चैनल। तो बस इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले से कोई चैनल बना रखे हैं तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, अगर नहीं बना रखे हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू चैनल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू चैनल एंड क्रिएट अ ब्रांड अकाउंट। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आपका बिजनेस का कोई नाम है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चैनल का एक नाम डाल दिया है, और बस आपको यहाँ से क्रिएट करना है। बस इतना करने के बाद में जो आपका YouTube चैनल है वो बन जाएगा, और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज चैनल का और YouTube स्टूडियो का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड वीडियो का, तो बस आपको यहाँ से वीडियो अपलोड करना है। अगर चैनल पर कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आपको यहाँ से करना है, नहीं तो आपको सीधे सीधे YouTube स्टूडियो पर चले जाना है। अब ये वही YouTube स्टूडियो है जहाँ पर आप, यानी आप जैसे और भी क्रिएटर्स, अपने चैनल से रिलेटेड सारा जो डेटाबेस है वो चेक कर सकते हैं कि हमने कितने वीडियोज़ अपलोड किए और वीडियोस पर कितने कितने व्यूज आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर द न्यू यूट्यूब स्टूडियो, इसे यहाँ से गॉट इट कर लीजिए। और ये देखिए आगे आपका चैनल का डैशबोर्ड। अब चूंकि हमने यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर अभी सारी चीज़ें आपको ज़ीरो दिखाई देंगी। आपको कुछ शुरुआती स्टेप मैं दिखा देता हूँ। शुरुआत में जब आप वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर अपने कंप्यूटर से, तो आपको यहाँ पर अपलोड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा एक आइकन आपको यहाँ भी मिलेगा वीडियो अपलोड करने के लिए, और साथ में आपको ये क्रिएट वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपलोड वीडियो का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा। साथ में अगर आप लाइव आना चाहते हैं अपने चैनल पर तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। YouTube पर लाइव कैसे आना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और नए स्टूडियो में आपको वीडियो कैसे अपलोड करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए आपको अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं।